हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो कैसे आप सब, आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और मिशन 2023 के अभिषेक के इस बेहतरीन इनिशिएटिव को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग अध्याय 7 चालू करने वाले हैं। मैं लाइन से आपको अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 मैं पूरा अध्याय समाप्त कर चुका हूँ। अध्याय 6 मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अध्याय 7 करा रहा हूँ। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अध्याय 5 हम लोग अवकलन पढ़ के आए हैं, अवकलन के डायरेक्ट बात में ये वाला करवा रहा हूँ समाकलन, ताकि आप लोग एक दूसरे चीज को ना रिलेट कर पाओ। क्योंकि अगर आप अवकलन समझ गए हो ना, तो समाकलन को भी आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो जो अध्याय 6 है वो मैं करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, वो मैं करवाऊंगा, वो बाद में करेंगे। पहले हम लोग अध्याय 7 देखेंगे, अध्याय 6 मैं आपको आगे करवाऊंगा, ठीक है? तो देखो, अध्याय 7 समाकलन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ना आप लोग देख लिया करो, इसलिए मैं पहले ही, जो मेरा लेक्चर होता है किसी नए अध्याय का, तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या पढ़ना है ना। तो देखो, समाकलन जो है ना, दो पार्ट में डिवाइड है, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन में। अनिश्चित समाकलन के अंदर मैं इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं, और निश्चित समाकलन में अगर ये सब आप लोग सीख गए ना, ये सब यूज होगा, ठीक है? और निश्चित समाकलन में मैं सिर्फ अभ्यास प्रश्न कराने वाला हूं। तो मैं अगर इतना आप सीख गए तो आपको निश्चित समाकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ठीक है। तो अनिश्चित समाकलन में मैं आप लोगों को ये पूरा कवर कर दूंगा, जिससे आपका जो है ना, ये समाकलन वाला जो पार्ट है ना, वो बेहतरीन तरीके से मक्खन हो जाएगा। और इसके बाद जो है ना, अध्याय आठ भी जब आप लोग देखोगे ना, तो यही कंसेप्ट आप लोग को वहां दिखेगा। वहां से बस थोड़ा सा एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप वाला आता है, वो मैं बताऊंगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोल देता हूँ, इसमें वेटेज कितना है, कितने कितने के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो अगर मैं देखूँ तो ध्यान से देखो, इसमें एक क्वेश्चन आएगा दो नंबर के एक क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन आएगा चार नंबर का आ गया, और एक क्वेश्चन आएगा छह नंबर का आएगा। ये छह नंबर के क्वेश्चन ना, इससे पूछने की भरपूर संभावनाएं हैं, किससे एक छह नंबर का क्वेश्चन तो पूछ सकता है, ठीक है? ये हम प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं। तो देख रहे हो, तो चार क्वेश्चन आने वाले हैं ओवरऑल आपके पास, ये चार क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल सर? चार क्वेश्चन आएंगे। और कितना नंबर देके जाएगा? 6, 4, 10, 2, 12 और 1, 13 13 नंबर का यह अध्याय है। और अवकलन कितने नंबर का था? 14 नंबर का। तो अगर आप अवकलन और समाकलन को कर लोगे तो यार कितना हो गया, वो 14 नंबर दे देगा और ये 13 नंबर दे देगा। तो समझ रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मैं शुरू करूं, ठीक है? रेडी हो, पेन कॉपी लेके जबरदस्त तरीके से बैठ जाओ भाई, एकदम कोई अलाली नहीं। और मैं एक चीज पहले से मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि मैं इसमें एकदम बेसिक से नहीं जाऊंगा, जितना जरूरत है उतना ही जाऊंगा। अगर मैं बहुत बेसिक से गया और सब चीज डिराइव करके आप लोग को बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो एकदम बेसिक से नहीं जाएंगे, जितना अभी जरूरी है उतने में जाएंगे। तो अभी आप लोग हेडिंग डालोगे, अनिश्चित समाकलन में करवा रहा, और पहला चीज बेसिक और सूत्र के बारे में बता रहा हूँ, बेसिक और सूत्र के बारे में। तो ध्यान से देखना, मैं जब अवकलन की बात करता हूँ, अवकलन की जब मैं बात करता हूँ, तो उस अगर मैं x के सापेक्ष अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ अवकलन, तो इसे ऐसे शो करता था, बताया मैं, f डैश x से भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी करके शो करते हैं, मैं बताया आपको, ठीक है? अब समाकलन में कैसे शो करते हैं ध्यान से देखना, अगर मैं x के सापेक्ष ठीक है समाकलन कर रहा हूं, तो ये ऐसे शो कर देना, एक ऐसे dx, ये हो गया x के सापेक्ष, ठीक है? और याद रखना, समाकलन को इंटीग्रेशन बोलते हैं, अवकलन को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो मैं जब इंटीग्रेशन बोलूंगा, डिफरेंशिएशन बोलूंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, इतना आप लोग को पता है। अगर मैं बोलूंगा y के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो यहां पर dy लिखूंगा। अगर मैं बोला z के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो ये सिंबॉल इंटीग्रेशन का बनाया और यहां पर dz लिख दूंगा, सिंपल, इतना आप लोग को नोटेशन मालूम है। अवकलन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, बोल सकते हो आप लोग, इंटीग्रेशन को प्रति अवकलज भी बोलते हैं, प्रति अवकलज भी बोलते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखो, तो अगर मैं बात करूं यहां पे कुछ फॉर्मूलेस की, तो त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला आप लोग इसमें लिख के आए हो अवकलन में, वो याद है? देखो, वो अगर याद नहीं होगा तो अभी
समाकलन का फॉर्मूला में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स को मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स को यहाँ पे मैं कैपिटल डी से शो कर रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल डी से शो कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो देखो डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी से शो कर रहा हूँ, तो साइन एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का क्या होता है, सर कॉस एक्स होता है, सर कॉस एक्स होता है। तो डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डी फॉर डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स का क्या होता है, सर कॉस एक्स का सर माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। आप लोग मेरे से पहले लिखो, साइन एक्स कॉस एक्स के बाद क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन के बाद क्या होता है, सिक्वेंस में जाना है एकदम, साइन कॉस टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट एक्स, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट के बाद क्या होता है, सेक होता है, डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स, डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स, और लास्ट क्या होता है, कॉसेक एक्स, लास्ट क्या होता है, कॉसेक एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, तो आप लोगों को मैं बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में चलेगा। टेन का जोड़ीदार क्या होता है, टेन का जोड़ीदार सेक होता है, यहाँ पे लिख दो सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट का जोड़ीदार क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। मेरे अवकलन वाले में देख लेना भाई, सेक का क्या होता है, सेक का जोड़ीदार कौन है, टेन है, तो यहाँ पे क्या लिखो, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स सेक सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब कॉसेक एक्स का जोड़ीदार कौन है, कॉट, तो यहाँ पे माइनस में आता है ना, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, आप लोगों को बताया भी था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है, यहाँ पे सिंगल टर्म, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म, और यहाँ पे दो दो टर्म। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आप लोग को ये बताया कि जो मेरा जो डिफ्रेंसिएशन है, इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन वो डिफ्रेंसिएशन का उल्टा है, प्रति अवकलज भी बोलते हैं। तो देखो साइन का जो है डिफ्रेंसिएशन क्या है, साइन का डिफ्रेंसिएशन है सर कॉस, साइन का डिफ्रेंसिएशन है कॉस, तो उल्टा, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अगर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, तो कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, साइन एक्स। और यहाँ पे हमेशा अनिश्चित समाकलन में, हम लोग अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं, अनिश्चित समाकलन में उत्तर जब आता है तो प्लस सी लगाते हैं, ये सी के पीछे रीजन है, फैमिली ऑफ कर्व जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना आप लोगों को, कभी अभी तो नहीं करूंगा, वहां पे मैं बताऊंगा कि सी क्यों लगता है, इसके पीछे रीजन है, ऐसे ही नहीं लिखते हैं। अभी वो रीजन नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, परीक्षा में कुछ दिन ही बाकी है ना, तो अभी मैं एकदम उसमें नहीं जाऊंगा। तो सी ऐसे ही नहीं लिखते हैं भाई, रीजन है, पूरे फैमिली ऑफ कर्व को क्या होता है ना, ये पूरा फैमिली ऑफ कर्व, अनिश्चित समाकलन फैमिली ऑफ कर्व निकालने का यूज होता है, और निश्चित समाकलन एरिया निकालने के लिए यूज होता है। तो ये सी ऐसे ही नहीं आया है ना, तो सी क्यों आया है, क्या आया है, अभी आप लोग मत जानो। तो देखो यहाँ पे कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस माइनस को इधर भेज दो, माइनस को इधर भेज दो, मेरे को सिर्फ साइन एक्स का चाहिए, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस इधर गया तो माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, माइनस को उधर भेजे तो ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी हमेशा डालना। टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दिया टेन एक्स, और शर्त के मुताबिक आप लोग को प्लस सी डालना है। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स का होगा, माइनस को इधर भेजा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स नीचे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस को इधर भेजा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो क्या, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब सेक एक्स टेन एक्स की बारी, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे
sec x, tan x, dx, है ना। यहाँ पे जो dx बता रहे हैं, ये जो dx लिख रहे हैं, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन में हम लोग क्या करते हैं, d बाई डी एक्स, तो यहाँ पे बताते हैं हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर में dx लिखते हैं, है ना, हम लोग बता रहे हैं x के सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष भी हो सकता है, z के सापेक्ष, किसी भी की सापेक्ष, अभी हम लोग को x के सापेक्ष देखना है। तो sec x tan x का क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, sec x ये हो जाएगा sec x plus c। अब लास्ट वाला बताओ तो आप लोग, माइनस उधर भेज दिया तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा कॉसेक कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, किसके सापेक्ष कर रहा हूं मैं, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स प्लस सी। तो देखिए आपको ये आपका पिछला अध्याय है और ये आपका अभी जो चल रहे वाला अध्याय, तो देखिए कैसे पिछला अध्याय आपके आगे वाले अध्याय को इम्पैक्ट करता है, इसलिए पिछला अध्याय सीख के आया करो। तो देखो कॉस माइनस साइन सेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर सेक एक्स टेन एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, अगर आपको ये मालूम है तो ये इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कॉस का साइन, साइन का माइनस कॉसेक स्क्वायर का टेन एक्स माइनस ये सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का हो जाएगा कॉसेक एक्स, और सब में प्लस सी लगाना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर साइन का है कॉस का है टेन का होता है कि नहीं, कॉट का होता है कि नहीं, हाँ उसका भी होता है, जब वो आएगा तब देखेंगे, अभी आपको यूज नहीं है। तो देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में ध्यान देना, डिफ्रेंसिएशन में तो मालूम है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना अभी क्या फॉर्मूला लगाया, कॉस साइन सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप लोग को पता होना चाहिए अभी, ठीक है क्या, और इतने में हो जाएगा काम, हो जाएगा। और एक और कुछ चीज मैं बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन ई एक्स, डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स क्या होता है, सेम होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, और यहां पे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का, लॉग बेस ई एक्स का होता है वन बाई एक्स, वन बाई एक्स। अब यहां पे ध्यान देना ना, कुछ ध्यान देना, बाय डिफॉल्ट केस है ये, कुछ ध्यान देना, देखो ये जो है ना मॉड, ये सॉरी लॉग जो है नेचुरल लॉग है ना, लॉग जो है ये ऋणात्मक वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, ऋणात्मक वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, तो ये एक्स हमें हमेशा पॉजिटिव होता है, बाय डिफॉल्ट अगर ऐसे लिख दिए तो एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, आपको अवकलन में मैं बताया नहीं था, वो बाय डिफॉल्ट एक्स धनात्मक ही होता है। तो आप लोग कभी कभी देखना ऐसे भी देखे होंगे कि डिफरेंशिएशन यहाँ पे अगर मैं कर दूँ लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा वन बाय मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे नई मॉड लगा के दिखा रहे हो तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग को मालूम है भाई कि ये धनात्मक ही होगा, क्योंकि लॉग ऋणात्मक के लिए डिफाइंड नहीं है। तो कहीं कहीं पे आप लोग ऐसे भी देखोगे तो घबराना नहीं, इस मॉड का वैल्यू, मॉड ये बता रहा है कि सिर्फ धनात्मक रहेगा, धनात्मक रहेगा, तो आप लोग घबराना नहीं, ठीक है। और इसको ln भी लिखते हैं, इसको ln भी लिखते हैं, है ना, ये तो नेचुरल लॉग है, तो लॉग बेस ई एक्स को आप लोग ln x भी लिख सकते हो, अब इसको चाहे तो आप मॉड में भी लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग बेस ई मॉड ऑफ x, और इसको ln मॉड ऑफ x ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और एक और कौन सा फॉर्मूला होता है, जो मेन फॉर्मूला होता है मेरा, हाँ अभी तो चलो ये ठीक है, अभी अभी इतना ही में रहो, आगे का आगे देखेंगे आप। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है ना, यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो e की पावर x dx क्या होता है, ये होता है e की पावर x प्लस सी। तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। तो देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगातार बोल रहा हूँ, तो कभी डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन बोल दूँ या इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन बोल दूँ तो इतना माइंड मत करना, ठीक है, हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, वन बाई एक्स, अगर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स है तो वन बाई एक्स का क्या होगा, ये होगा, तो वन बाई एक्स, वन बाई एक्स डी एक्स का क्या होगा, लॉग बेस ई एक्स प्लस सी, और ये मॉड में होता है, इसको आप लोग मॉड में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग मॉड में नहीं दिख नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब आपको भाई मालूम है, ये मान के चलना कि एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा,
तो मॉड में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वो बाई डिफॉल्ट केस है, पर लिखोगे तो अच्छा है, पर लिखोगे तो अच्छा है, स्टैंडर्ड बुक में मॉड में ही दिया जाता है, लिखोगे तो अच्छा है। और एक बेहतरीन इसका एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये अभी सब क्वेश्चन में लगने वाला है, सब क्वेश्चन में लगने वाला है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो इसमें हम लोग फॉर्मूला लिखे थे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का लिखे थे, एन सामने आ जाता है और एन में एक माइनस हो जाता है। अब आप बोलोगे सर कि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, हाँ इसका इंटीग्रेशन ये है, ठीक है इसका इंटीग्रेशन ये है, तो हम लोग ना मॉडिफाई करके एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन निकाले, वो डिराइव करके निकाले, वो अभी डिराइव करना मैं नहीं बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना क्या होता है, एक्स एक्स की पावर ये जो एन है ना इसको कर दो एन प्लस वन, एक जोड़ दो बटा ये जो पावर में है उसी को लिख दो एन प्लस वन ए प्लस सी। क्या किया मैं यहाँ पे x की पावर n का क्या हो रहा है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, हाँ इसका इंटीग्रेशन ये होता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन ये होता है, अगर मैं ऐसा करूँ तो हमको ज़्यादा यूजफुल नहीं हो रहा था, तो उसी को मॉडिफाई करके x की पावर n का जब मैं इंटीग्रेशन निकाला तो ये आया, यहीं से मिलता है, यहीं से मिलता है, कोई बात नहीं। तो इसको आप लोग याद करेंगे, अभी सब जगह यूज़ होने वाला है, अभी सब जगह ये यूज़ होने वाला है, देखना ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ध्यान देखना। तो क्या बस पावर में प्लस एन हो गया और जो पावर में है घात में उसी को बटे में लिख दिया और प्लस सी। अब इसमें बस एक चीज और जान लो फिर हो जाएगा काम, यहां पे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स किसी भी अचर पद का, किसी भी अचर पद का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जीरो होता है, यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है, यहां पर अगर कोई अचर पद है जैसे कि मैं लिख दूं 2dx इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो यहां पे 2 बाहर हो जाएगा और dx, तो 2 ये जो dx है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x और ये हो जाएगा प्लस सी, आगे भी क्वेश्चन में बताऊंगा। अगर यहां पे सिर्फ ऐसा रहा तो ये आप लोग याद रख लो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स प्लस सी, ये आप लोग याद रख लो, ये आप लोग याद रख लो। तो जो भी मेरा कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर देना, जो भी मेरा कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर देना। अगर मैं ऐसे लिखूं एक डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक को बाहर कर दिया मैं तो क्या बचा इंटीग्रेशन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा एक डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, तो क्या आया मेरा आंसर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ध्यान से बस देखते रहना, अभी मैं पूरा ना एग्जाम्पल में करा दूंगा यार, इतना बिलीव रखो। तो इतना आप लोग को ना ध्यान रहना, इतना आप लोग को ध्यान रहना चाहिए क्या क्या प्रवचन में बोला। तो ठीक है एक आधी क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आधी क्वेश्चन करते हैं, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा वो इस पर बेस्ड है, इस पर बेस्ड है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो भाई, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहला देखो क्या है, आई फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है आई ऐसे ले लिया मैं, क्या है x की पावर 7 डी एक्स, मतलब x के सापेक्ष हम लोग को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो ठीक है सॉल्व, तो क्या हो गया, क्या दिखा, क्या है यहाँ पे मेरे को दिख रहा है x की पावर 7 डी एक्स, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं x की पावर n डी एक्स क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, यही होता है यार फॉर्मूला, यही होता है फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को लगाना है। तो यहाँ पे n क्या है, x की पावर n होता है, तो n की जगह क्या है 7, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो यार। तो देखो क्या होने वाला है, x की पावर n प्लस 1 होता है, तो x की पावर 7 है ना, तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन, यही पावर में जो है उसको लिख देते हैं 7 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो प्लस सी लगाना है, प्लस सी आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको देखो, अरे सर ये क्या है, ये तो भयंकर टाइप का दिख रहा है, अरे कोई भयंकर नहीं है ये, देखो क्या दिख रहा है आई, देखो मैं आई ले रहा हूँ, आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन, है ना, आपको क्वेश्चन कैसे देगा यही बस दे देगा,
ठीक है, तो यहाँ पे आप आई लिखो चाहे मत लिखो, आपको ये क्वेश्चन दे दिया, बोल देगा समाकलन हल कीजिए, समाकलन हल कीजिए, इतना बोल देगा, आपको आई लेना है लो, नहीं लेना है, नहीं लेना है तो इस आई को मत लो, वो आपके ऊपर है, ये लो मत लो भाई, खुश हो जाओ। तो देखो क्या दिया है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डी एक्स। सर ये अब अंडर रूट एक्स का कैसे करें? अरे अंडर रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मूला यही वाला लग गया, एक्स की पावर एन वाला। क्या होता है एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर एन और एन है हमारा 1/2 प्लस 1 और यहाँ पे भी एन प्लस 1, एन क्या है 1/2। अब ये फॉर्मूला लग गया प्लस सी, जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाता है प्लस सी डालो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 है, 1/2 प्लस 1 है, तो एक और आधा कितना होता है डेढ़ होता है, एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, एक और आधा डेढ़ होता है तो ये हो जाएगा 3/2। एक और आधा कितना होता है, एक और आधा डेढ़ होता है, डेढ़ को 3/2 बोलते हैं, या तो एलसीएम निकालोगे तो भी हो जाएगा। अब देखो क्या है, 3/2 है तो क्या कर दूंगा, दो ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दो ऊपर चला जाएगा, ऐसे पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया भाई आंसर, ये हो गया आंसर, हो गया यह हो गया आंसर, हो गया ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया क्या, आप लोग को समझ में आया क्या बताओ, है ना। तो ये ऐसे करते हैं यार, ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं था, बस आप लोग को देखना था कि यहाँ पे n 1/2 छुप के बैठा है, बस फिर n में क्या करते हैं प्लस 1 कर देते हैं, देखो प्लस 1 कर दिया, 1/2 प्लस 1 3/2 ये पलट गया 2/3। अब ये वाला भी वैसी है, ये वाला भी वैसी है, देखो सॉल्व कर रहा मैं 1/(x^3dx), ठीक है ना, इसको ऊपर ले आता हूँ ना मैं, क्या दिक्कत है। ये क्या हो जाएगा, अगर 1/(x^3) है, घात धन में, किसमें हर में, तो अंश में ले जाऊंगा तो ऋण में हो जाएगा, घात का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब हो गया x^n वाला फॉर्मूला, n की वैल्यू क्या है वहाँ पे -3 है, -3 फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला क्या होता है x^n, n क्या है -3 प्लस 1 अपॉन क्या लगता है n क्या है -3 प्लस 1 ये प्लस सी। अब i = x^-3 + 1 - 2 होता है -2, यहाँ पे क्या है -3 + 2 - 2 प्लस सी, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन और अच्छे तरीके से अगर मैं लिखूं तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ, देखो i ये क्या है 1/-2 को ऐसे लिख दिया, x^-2 है, अंश में देखो घात ऋण है, तो इसको हर में भेज दूंगा तो घात चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x^2 + c। भाई समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, कि और समझाऊं, समझ में आया, लो भाई और समझा देता हूँ। अरे जब हर में मेरा घात धनात्मक था, ऊपर ले गया तो ऋणात्मक होता है, अंश में हर में जाओगे तो घात का चिन्ह बदल जाता है, सिमिलरली अंश से हर में जाओगे तो भी घात का चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे अंश में देखो ऋण का चिन्ह है, तो इसको मैं धन में लिख सकता हूँ कब, जब मैं हर में भेजूंगा, तो 1/ ये है -2 और ये हो जाएगा x -2 है, तो नीचे जाके x की घात -2 हो जाएगा प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। तो एक दो तीन क्वेश्चन में करवाया और इससे पहले आप लोगों को सूत्र लिखाया, तो मिलता हूँ बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना आप लोग करके रखो, ये बेसिक है, बेसिक से आपको यूं उठाऊंगा मैं, ठीक है, तो आपको फीलिंग आ जाएगी और जल्दी ही खत्म हो जाएगा। चलो बच्चों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।